वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली इंजन रहित सेमी हाई स्पीड ट्रेन दे रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के विजन को एक नई रफ्तार। देश की समृद्धि और विकास के रास्ते को अधिक गति और ताकत देने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को सलाम। सलाम भारत के उन इंजीनियरों और कामगारों को भी जिन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस के कॉन्सेप्ट और डिजाइन से लेकर उसे पटरी पर उतारने का काम किया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को दी है मजबूती। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार क्षमता वाली देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस मेक इन इंडिया का बेजोड़ उदाहरण है, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। हमने भारतीय रेल की स्थिति को बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत परिश्रम के साथ बदलने का प्रयास किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस उन कार्यों की ही एक झलक है। बीते वर्षों में रेलवे उन सेक्टर्स में रहा है जिसने मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रगति की है। 1969 के बाद भारत की इस पहली न्यू जनरेशन ट्रेन में आपका सफर यादगार और आरामदायक हो इसके लिए इसमें है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं और साथ में पूरी सुरक्षा। 4 घंटे में मैं अपने घर जालंधर पहुंच जाऊंगा जो कि एयर ट्रेवल से भी ज्यादा सुविधाजनक है। हर चीज बहुत इम्प्रूव्ड है और मेनली गो फॉर हाइजीनिक, वी कैन गो फॉर फूड, सीसीटीवी फुटेजेस, सीसी कैमरास, एवरीथिंग, सब कुछ बहुत अच्छा है। लग्जरी ट्रेन है, टॉयलेट्स बहुत ही नीट एंड क्लीन है और बायो टॉयलेट्स हैं। वंदे भारत जल्द देश के कोने कोने तक दौड़ती दिखेगी। 2022-23 के बजट में सरकार ने अगले 3 सालों में 400 न्यू जनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें चलाने की घोषणा से बता दिया है कि अमृत काल के इस दशक में गति की शक्ति ही बनेगी भारत के कायाकल्प का आधार।